श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज पूरा देश धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर आज देश के सभी मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। भगवान का जन्मदिन मनाने और उनके दर्शन करने के लिए आज सुबह से ही देश भर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वृंदावन में जन्माष्टमी मंगलवार यानी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। राधा कृष्ण परिसर के सभी मंदिरों में आज घंटियों, मृदंगों और शंखों की ध्वनियां गूंज रही हैं। यह भगवान कृष्ण का 5291 जन्मोत्सव है। जानकारों का मानना है कि इस बार जन्माष्टमी पर 45 मिनट द्वापर युग जैसा संयोग बन रहा है, जिसे बहुत ही शुभ माना जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर आज उनकी जन्मस्थली मथुरा के सभी मंदिरों में कृष्ण भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई है। साथ ही द्वारका में भी भक्त बड़ी संख्या में पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर इंदौर, अहमदाबाद, द्वारका, मुंबई व देश के सभी इस्कॉन मंदिरों में भी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव आज से विष्णु स्वामी जयंती एवं गोस्वामी रूपानंद के जन्मोत्सव के साथ शुरू हो गया है। महोत्सव में 27 को जन्माष्टमी व 28 को नंदोत्सव का आयोजन होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज सुबह विशेष भस्म आरती की गई। इसके साथ ही इंदौर शहर के गोपाल मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, यशोदा माता मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और इस्कॉन मंदिर सहित श्री कृष्ण के सभी मंदिरों में भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जहां बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर के इस्कॉन मंदिर में 5 देशों से भक्त जन्माष्टमी मनाने के लिए पहुंचे हैं, जहां रामनगरी अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव परम्परागत ढंग से बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान राम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और उन्हें 1.5 क्विंटल पंजीरी का भोग लगाया जाएगा। साथ ही भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हिंदनews.live।